या ठिकाणी उपस्थित असलेले आदरणीय महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्रीमान रमेश बैसजी, हा कार्यक्रम ज्यांनी आयोजित केला ते महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य आणि अथर्व फाउंडेशनचे अध्यक्ष सुनील राणेजी, कर्नल वेटरन एस चटर्जी जी, सार्जंट लेफ्टनंट कमांडर ललन थलुआंग जी, लेफ्टनंट महिपाल शर्मा जी या ठिकाणी उपस्थित सेनेतील सर्व आमचे सैनिक आणि अधिकारी, अथर्व फाउंडेशनचे सर्व पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांना कारगिल विजय दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि या युद्धामध्ये शहीद झालेल्या आपल्या सर्व सैनिकांना आदरांजली अर्पित करतो। हम सभी के लिए कारगिल का युद्ध ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध रहा है, क्योंकि जैसा सुनील राणे जी ने बताया कि दुश्मन ऊंचाई पर बैठा है और नीचे से जाकर उससे लड़ना है। शायद उस समय राफेल होता तो अलग बात होती, लेकिन 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, 22 साल के, 24 साल के हमारे अधिकारियों ने, जवानों ने जिस प्रकार का शौर्य दिखाया, इतनी विपरीत परिस्थिति में इतनी ऊंचाई पर रात के समय चढ़कर जाना और दुश्मन को निष्प्रभ करना, ये जो कार्य उस समय हमारी सेना ने किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से वो एक मिसाल है। और कारगिल के युद्ध का एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इससे पहले भी कई युद्ध हमने लड़े और हर युद्ध में हमारी सेना ने इतना शौर्य दिखाया, हम कहीं पीछे नहीं आए। हमारी सेना का शौर्य हमेशा असीमित रहा, लेकिन शायद सारे युद्धों में जिस प्रकार के समझौते हमने किए, उन राजनीतिक समझौतों ने हर युद्ध में हमारी थोड़ी थोड़ी भूमि ये दुश्मन के हाथ में दे दी। कारगिल का युद्ध ऐसा पहला युद्ध था जिसमें भारत की एक इंच भूमि भी हमने दुश्मनों को लेने नहीं दी, कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ और हमारे जवानों की जो शहादत थी उस शहादत का गौरव उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एक भूमिका ली उस भूमिका के कारण भी हुआ। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि कारगिल का युद्ध ये हमारे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, महत्वपूर्ण चैप्टर है। और मैं सुनील राणे जी का इसलिए बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जिनको अपना इतिहास पता नहीं होता उनको वर्तमान तो होता है लेकिन भविष्य नहीं होता। इसलिए हमारे इतिहास को अगर हम भुलाएंगे तो शायद बार बार अपनी गलतियों को भी दोहराएंगे। और कारगिल विजय दिवस मनाना एक प्रकार से हमारे इतिहास का पुनरावलोकन करना, हमारे इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और हमारे शौर्य को भी याद करना और शायद कुछ गलतियां भी हुई तो उनसे भी सीख लेना। इसलिए मैं मानता हूं कि इस प्रकार के हमारे इतिहास को बार बार याद किया जाना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से सुनील जी आपने इस परंपरा का निर्वाह किया और आपने मुझे भी
पिछले कई सालों से इस परंपरा के साथ जुड़ा। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि हमारे शहीदों को तो हम लोग हमारी मानवंदना के सिवाय दूसरी कोई चीज दे नहीं सकते। उनको याद करना और उनके प्रति अपने आभार व्यक्त करना, यही मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये बात भी सही है कि जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना था तो हमारे राज्य से जो सैनिक शहीद होते थे उनको मात्र 5 लाख रुपए हम लोग देते थे, और सुनील जी के आग्रह पर हमने पहले उसमें 25 लाख रुपए किए, फिर 50 लाख रुपए किए और फिर 1 करोड़ रुपए किए। जैसा मैंने उस समय भी कहा था कि शहादत का कोई मोल नहीं होता, किंतु यह जिम्मेवारी भी हमारी बनती है कि हमारे लिए जो लड़ते हैं उनके पीछे समाज ने और सरकार ने खड़ा होना चाहिए। पैसे से किसी की जान वापस नहीं आ सकती, किंतु कम से कम हम ये जवाब तो दे पाए कि जिन्होंने हमारे लिए शहादत ली उनके परिवारों के पीछे सरकार और समाज खड़ा है। और उसी दृष्टि से हमने कई निर्णय उस समय लिए थे। हमारे शहीदों को या उनके परिवारों को जमीन देने का विषय था और कई वर्षों से कई प्रकरण पेंडिंग थे, हमने पीछे लग के सारे प्रकरण क्लियर किए और जिन जिन परिवारों ने मांग की थी और जिनको जमीनें नहीं मिली थी उन सभी को जमीनें देने का निर्णय उस समय किया, वो जमीनें हैंडओवर की। और यह भी निर्णय किया कि स्वतंत्रता दिवस के, गणतंत्र दिवस के जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में हमारे कलेक्टर ऑफिस से स्पेशल टीम सभी शहीदों के घर जाए, उनको उस कार्यक्रम का निमंत्रण दे और उनको ससम्मान उनके परिवार वालों को उन कार्यक्रमों में वो सम्मिलित करवाए। तो इस प्रकार के कई निर्णय उस समय हम लोगों ने लिए और ऐसा मानता हूं कि इसकी प्रेरणा भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हमको मिली। जिस प्रकार से लगातार सुनील जी और अथर्व फाउंडेशन देश के कोने कोने में जाकर हमारे सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए काम कर रहे हैं, एक मिसाल है और ये काम लगातार बढ़ता जा रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल मैं ऐसा मानता हूं कि एक औपचारिकता नहीं है, तो पूरे सेंटिमेंट के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए इसका स्केल भी बड़ा हो रहा है। और हमारे पूर्वोत्तर राज्य तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन पूर्वोत्तर राज्यों में जिस प्रकार से सुनील जी आपने और अथर्व ने कार्य किया है ये भी काबिले तारीफ है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, आपने जो काम यहां पर किया है। और अभी ये 3 एम्बुलेंस वापिस उन राज्यों में जाएगी, आगे और काम आप करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि हम सभी लोग मिलकर इसी प्रकार से अगर हमारे इतिहास के गौरवशाली क्षणों को याद करते रहे और साथ साथ हमारी सेना के पीछे पूरी ताकत से हम खड़े हो तो निश्चित रूप से हमारा देश एक मजबूत देश के रूप में आज उभर रहा है। आज हम देख सकते हैं कि दुनिया के ताकतवर देशों में हमारा शुमार होता है। और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से हम लोगों ने हमारे सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स में और अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता लाई है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया का जो एक कार्यक्रम चला, आज एक प्रकार से मिलिट्री पावर के रूप में भारत की ओर देखा जा रहा है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि दुनिया की सबसे अच्छी सेना में भारत की सेना का शुमार आज होता है, ये भी हम सभी के लिए बहुत आनंद की बात है। हमारी सेनाओं का, हमारे सैनिकों का, हमारे सेना नायकों का, सभी का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप सभी के पीछे हम लोग भी पूरी ताकत से और अपनी क्षमता के अनुसार
खड़े हैं और मेरा विश्वास है कि सुनील जी इसी प्रकार के कार्यक्रम आप आगे भी करते रहेंगे और माननीय राज्यपाल जी स्वयं सेना के जो मामले हैं उसमें उनको रुचि भी है, उसमें वो हमेशा सम्मिलित भी होते हैं, उनके परिवार से भी लोग सेना में है, तो मुझे लगता है कि आपने जगह और व्यक्ति भी सही चुना इस कार्यक्रम के लिए, इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं, राज्यपाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और इसी प्रकार से हर वर्ष आप हमें निमंत्रित करते रहे इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।